नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्यापार और साहस दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि व्यापार जब हम करते हैं तो हमें सबसे पहले साहस की जरूरत होती है, नहीं कि हमें उस व्यापारिक दृष्टिकोण की जरूरत हो, क्योंकि साहस के बगैर व्यापार संभव नहीं है, व्यापार के बगैर आपका जीवन की उन्नति संभव नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे व्यापारी से मिलवाते हैं जिन्होंने साहस के साथ साथ अपने व्यापार को नए नवनिर्माण दिया, और आज उनकी व्यापारिक दृष्टिकोण और व्यापारिक सूझबूझ ही उनके बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। रमेश जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले थे और आप सूरत कब आए थे? राजस्थान में मैं जायल नागौर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। राजस्थान से मेरे पिताजी बहुत पहले 1963 में वो वहाँ से राजस्थान से जो है वेस्ट बंगाल पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ झालदा करके एक जगह है, वहाँ चले गए थे। वहीं हमारा जन्म हुआ था और वहाँ से हम समझ लीजिए पढ़ाई उड़ाई रांची में करके और बीकॉम कंप्लीट करके फिर हम जो है सूरत आए थे। तो आप जब सूरत आए थे तो सूरत में शुरुआती दौर में जैसे आपने जीवन की अपनी नई शुरुआत की थी और दूसरे प्रदेश से आप यहाँ पे आए थे, तो शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतों का या कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा यहाँ पे? हाँ, शुरुआत में जब मैं आया था यहाँ तो मेरी इच्छा थी कि मैं कपड़े से जुड़ा हुआ था। वहाँ पर हमारे जो गांव में थी वहाँ एक छोटी दुकान थी, तो मेरी यही इच्छा थी कि सूरत में जो मैं आके खुद का अपना कपड़ा बना के और व्यापार चालू करूँ, और उसके लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन मैंने ये सोचा कि एक बार मैं गांव छोड़ के आया हूँ तो फिर मेरे को गांव में वापस जाके जवाब देना बहुत मुश्किल है, और इसलिए मेरे को यहाँ किसी भी तरह से किसी भी हाल में सफल होना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने काफ़ी यहाँ संघर्ष किया। और यहाँ पर मैंने करीबन कपड़े व्यापार में निरंतर जो यहाँ पर हमारे को अनुभव था, उस अनुभव के हिसाब से मैं हमेशा संघर्ष करते रहा, और बाद में हमारा काम जो है धीरे धीरे यहाँ सफल हो गया, और काफ़ी आगे हमको लगा कि ये जो सूरत मंडी है वो काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर व्यापार काफ़ी आगे कर सकते हैं। और हमारा जो है विजन शुरू से ही था कि हमें क्वालिटी और परिश्रम के साथ अच्छी चीज़ मार्केट में देना है, और उसके लिए हम लगातार लगे रहे और हमें काफ़ी सफलता मिली। जैसे आपने बताया काफ़ी संघर्ष करके आप यहाँ पे पहुँचे हो, तो संघर्ष के दौरान कहीं आपके मन में ये आई कि जैसे आपने बोला गांव तो मैं जाना नहीं चाहता था कि उनको जवाब देना होता है परिवार को, लेकिन कहीं ऐसा लगा कि नहीं सूरत के अलावा कहीं दूसरी सिटी के अंदर जाके अपने आप को सेटल करूँ? नहीं, दूसरी सिटी का जहाँ तक ताल्लुक था कि मेरे को नहीं जाना था, क्योंकि मैं कपड़े से जुड़ा हुआ था, कहीं दूसरी जगह की सोची नहीं। मेरा एक ही ध्यान केंद्रित था कि किसी भी तरह मेरे को मेरे व्यापार को यहाँ पर आगे बढ़ाना है, और हमें जो है जो भी यहाँ करना है वो अच्छी तरह से हम करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ काफ़ी हमें लोगों का सपोर्ट मिला और काफ़ी ये मंडी सरल तरीके से लोगों का स्वीकार करती है। सबसे बड़ी खास बात सूरत में ही है। तो आपने जैसे बताया कि राजस्थान की बात करें, हम लोग राजस्थान के जो रहने वाले लोग हैं वो बाहर जाके काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस की, काफ़ी अचीवमेंट हासिल किए, लेकिन जो राजस्थान की जो परिस्थितियाँ हैं उसके अंतर्गत वो लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाते, इसका क्या मूल रीजन आप मानते हैं? मेरा जो अनुभव है इसमें, जैसे हम लोग राजस्थान के हैं लेकिन राजस्थान में मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरे पिताजी का हुआ। मैं राजस्थान से बाहर वो चले गए, काम हुआ नहीं था, और वो मान लीजिए कि दूसरी जगह जाके वेस्ट बंगाल पे जाके उन्होंने अपना जीवन संघर्ष करके वहाँ उन्होंने काम किया। तो वो जब बाहर जाता है कोई भी आदमी तो उनको काफ़ी संघर्ष करने से काफ़ी उसका मनोबल बढ़ता है, और उनको जब सफलता मिलती है तो वो और उसके प्रति काफ़ी उनकी विचारधारा जो है पॉजिटिव हो जाती है, और बाहर जाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि भाई किसी भी तरह यदि हम यहाँ सफल नहीं हुए तो हम कहाँ जाएंगे। तो और लोकल जो आदमी रहते हैं उनको सफलता जो है वो क्या सब उसके पीछे निरंतर उतना लगते नहीं है। वो कहावत है ना कि भाई घर की मुर्गी दाल के बराबर, मतलब वो घर पे हैं तो उतना उनको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व तो उनके उनका ऊपर नहीं होता है, क्योंकि बाहर जाने के बाद उनको पूरा दायित्व जो है
परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की गुडविल, सारी बातें जो है उसके दिमाग पे रहती है और वो उसके पीछे निरंतर लगा रहता है, जो मेरा मानना है, जो कि मैंने हमेशा अनुभव किया कि ये चीज़ जो है हमारा सबसे पहला ध्येय है कि हमारे को यदि हम आज गांव छोड़ के आ गए तो हमारे को यहाँ पर किसी भी तरह सेटल होना है, ये हमारा पहला ध्येय रहता है। उससे बिजनेस बढ़ता है और कोई भी बिजनेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और आपको ये जवाबदारी रहेगी तो आप हमेशा आगे बढ़ जाएंगे और आपका विजन होना चाहिए। उसके साथ हमने ये देखा कि खास करके गुजरात में लोगों का सपोर्ट बहुत है, दूसरी प्रांत का मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जो यहाँ देखा, यहाँ लोग एक्सेप्ट करते हैं और इसके चलते गुजरात या सूरत या बाकी जो सिटी है काफ़ी यहाँ आगे बढ़ रही है। गुजरात की बात की हमने, राजस्थान की बात की, लेकिन राजस्थान के अंदर जो हमारे लोग जो बाहर गए उन्होंने वाकई एक अच्छे प्रोग्रेस किए, चाहे इंडस्ट्री लाइन हो, चाहे ट्रेडिंग लाइन हो, चाहे किसी भी सेक्टर के अंदर उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की है। तो राजस्थान के अंदर रहकर जैसा आपने रीजन बताया, तो कहीं उस सोच के अंदर और अपने जो बाहर निकलने के बाद सोच के अंदर काफ़ी अंतर महसूस करते हैं कि भाई वहाँ रहने के बाद जिम्मेदारियाँ परिवार की ज़्यादा उठानी पड़ती है और बाहर जाने के बाद खुद के बिजनेस की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा उठानी पड़ती है। हाँ, वो बात है कि बाहर आने के बाद आपको बिजनेस की जिम्मेदारी सबसे पहले है, परिवार की उसके साथ है, लेकिन मान लीजिए आपका परिवार, जैसे कि मेरा परिवार पूरा एक साथ यहाँ नहीं आया तो उस टाइम हमारे को सिर्फ मेरे व्यापार की चिंता थी, परिवार की जो भी चिंता थी, हमारे जो छोटे भाई या पिताजी या चाचा जी है उन लोग वहाँ संभाल रहे थे। उसके बाद हम जैसे जैसे यहाँ डेवलप किए उसके बाद हमारे पास परिवार की जिम्मेदारी आती है, उसमें समय हमको मिल जाता आगे बढ़ने का। राजस्थान में भी जो है, जिस जो लोग काम कर रहे हैं वो राजस्थान में भी, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि जो बिजनेस के प्रति या रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति या उनका विजन है तो राजस्थान में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ऐसी बात भी है कि बहुत सा बिजनेस जो लोग बाहर जाते हैं उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना दायित्व ईमानदारी से करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, ये मैं हमेशा देखा हूँ। चाहे कोई भी लाइन हो, चाहे आपको बिजनेस में हो या आप कोई भी दूसरी लाइन भी है, उसमें भी आप देखेंगे यदि बच्चा आज अपने घर पे पढ़ता है और एक बाहर जाके एडमिशन लेके पढ़ता है तो बहुत उसको समय से और बहुत अच्छा वो वहाँ पढ़ पाता है। लेकिन जैसे आपने बात करें आज के 21वीं सदी की, राजस्थान की या 21वीं सदी के भारत की, तो राजस्थान के अंदर क्या ऐसा एनवायरनमेंट की कमी है या राजस्थान के अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हमारा रियल एस्टेट बिजनेस हो चाहे आपने इंडस्ट्री बिजनेस हो वो काफ़ी डेवलप नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या मानना है आपका? उसके लिए मेरा मानना है कि सबसे पहले तो वहाँ के राज्य सरकार की जो है जिम्मेदारी है, राज्य सरकार किस तरह से वहाँ पर रियल इस्टेट हो या इंडस्ट्रीज हो या लघु स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो या हैवी इंडस्ट्रीज हो, उसमें वो उनको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़े, वो पॉलिसी जो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे गुजरात में 2005-06 में उन्होंने जो वाइब्रेंट गुजरात किया था और उनका प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में जो भी टाटा ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, आपका अदानी ग्रुप हो, सबको हमने देखा कि उन्होंने सही रेट पे ज़मीन, सही रेट पे आप समझ लीजिए जो भी प्रतिक्रियाएँ जो होती है इंडस्ट्रीज़ के लिए वो सरल रीत से उन्होंने प्रमोट किया और उनके लिए उनके पास से उन्होंने सभी इंडस्ट्रीज से MOU करके और साइन किया और उनको एक मंच पे माने नेतृत्व दिया। उसके बाद उन्होंने जो व्यापारी है जो रियल इस्टेट के थे, जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले, उनको भी बुलाया, मैं भी गया हुआ था। अपने जैसे में स्टेज की ज़रूरत होता है, हमें एक मंच पर जाने की ज़रूरत होती है, विकास कहीं से भी करें हम लोग मंच की ज़रूरत हमें, लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं भी राजस्थान जहाँ विकास की ज़रूरत है उसको सबसे ज़्यादा और गुजरात का एक सटीक प्रदेश होने के कारण भी उसको विकास की सबसे ज़रूरत है। तो अपने राजस्थान के अंदर अगर कभी आपको ऐसा स्टेज मिले हो या ऐसा कुछ मिले तो आप क्या बिजनेस करना चाहेंगे? ज़रूर, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि
अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन को या इंडस्ट्रीज को या कॉरपोरेट जगत को कहीं भी मिलेगी वो जरूर लेंगे और वहाँ पर करेंगे, और उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा हम उस चीज़ में मतलब हमेशा तत्पर आगे बढ़ के करेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि राजस्थान में यदि जिस तरह गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात करके हुआ, उस तरह राजस्थान में भी फोकस बड़े इंडस्ट्रीज, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, चाहे वो हेवी इंडस्ट्रीज के सेक्टर हो, और उसको यदि स्टेट गवर्नमेंट यदि उसको एक प्लेटफॉर्म में लाती है तो वो पूरे एक बार विश्व में चर्चा का विषय बनती है। उससे क्या लोग आकर्षित, दूसरे भी सेक्टर के लोग आकर्षित होंगे, छोटे लोग भी आकर्षित होंगे, जो राजस्थान से बाहर गए हैं वो भी आकर्षित होंगे और वो सोचेंगे कि भाई हमारे राजस्थान में भी हमको जो है कुछ करना है। और मेरा मानना है कि अपॉर्चुनिटी जब भी मिलेगी, चाहे वो हमारे मेरा जो बिजनेस है रियल इस्टेट का, तो हम चाहेंगे कि वहाँ जरूर रियल इस्टेट को डेवलप करें, और भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम वहाँ पर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट करने के सोचते हैं और करेंगे। और उसके लिए राज्य सरकार जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगी उससे वहाँ का जो इन्वायरमेंट है पूरा चेंज होगा और लोगों को जो है हर दिशा में काम मिलेगा। दूसरी बात है राजस्थान का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें टूरिज्म जो है वहाँ पर, जिस तरह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ टूरिज्म नहीं है फिर भी पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा दिया, उस तरह वहाँ की सरकार को पर्यटन के लिए काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए। और वहाँ पर जो पर्यटन अभी चल रहा है वो उसकी मार्केटिंग सही ढंग से नहीं हुई है, उसकी मार्केटिंग बहुत सही ढंग से होनी पड़ेगी, क्योंकि युग अभी जो है मेरे ख्याल से जो समय है वो चेंज हो गया है। लोगों के पास जो भी चीज़ें हैं उसको मीडिया के द्वारा और उसकी मार्केटिंग के द्वारा उसको पूरे विश्वभर में बताना चाहिए, उससे पर्यटन जो है काफ़ी आगे बढ़ेगा। और राजस्थान की जो संस्कृति है वो और राजस्थान की जो आपको सुंदरता है वो लोगों को काफ़ी आकर्षित करेगी और उससे पर्यटन विभाग काफ़ी आगे बढ़ेगा। और मेरा मानना ये है कि आने वाले जो 10-5 साल के बाद जो मैं समझता हूँ कि उसमें मूल परिवर्तन बहुत बड़ा आएगा, इसलिए आएगा कि जो यंग जनरेशन आ रही है उसको कोई भी स्टेट से मतलब नहीं है, उसको कोई जाति से मतलब नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी से मतलब है, उसको एनवायरनमेंट से मतलब है, उसको आने वाले पूरे विश्व को जो है वो आप समझ लीजिए कि हर पल देख रहा है। हर एक बच्चे जो हैं आज जो है एजुकेशन में पिछली पीढ़ी से बहुत आगे हैं, तो वो पूरा उनको नॉलेज जो है आज समझ लीजिए कि तुरंत मिलता है। और उसके लिए हम लोगों को क्या, जो जिस तरह मेरा मानना है कि गोल्फ दुबई जैसी जो कंट्री है जो कि पूरी समझ लीजिए कि राजस्थान जैसे ही वहाँ पर पूरी मरुभूमि थी, मरुस्थल था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो डेवलपमेंट किया वो आज काफ़ी आगे बढ़ गया दुबई, और वहाँ पर काफ़ी बड़ा व्यापार हो रहा है। थोड़ा बहुत उस तरह का भी हम लोगों को पर्यटन के लिए करना चाहिए और उससे काफ़ी आगे बढ़ेगा और उस तरह का भी कॉन्सेप्ट वहाँ लाना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। अपने जैसे आपने काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी मेहनत की और आप आगे बढ़े, तो हमारी जो यंग जनरेशन जिसको आपने कहा कि वो काफ़ी एग्रेसिव यंग जनरेशन है, तो उसको आप क्या एक ऐसा मूलभूत संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो अग्रेसिवता के साथ साथ समय की अनुकूलता और समय के साथ चलने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि जो भी समय टेक्नोलॉजी है उसका सदुपयोग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? मैं जो यंग जनरेशन है उनको सबसे पहले तो मेरी तरफ से शुभकामना है देता हूँ। वो लोग जो आज काफ़ी एग्रेसिव हैं और उनकी विचारधारा पूरी नहीं है, नहीं मतलब उनको किसी भी तरह जो है एजुकेशन करके अपने स्वावलंबन होना है,
ये मेरा मानना है कि वो लोगों की सोच काफ़ी पॉजिटिव है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले उनको जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अनुशासन के अंदर रहना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना जो है प्रोग्रेस नहीं होती है, कोई भी जो तरक्की का उसमें अनुशासन, कड़ी मेहनत और लगन, चाहे आपका कोई भी सेक्टर हो, छोटा हो या बड़ा हो, आपको समझ लीजिए कि पूरा उसमें टाइम से अनुशासनित होके और डूबना पड़ता है उसमें, पूरा आपको अपना तन मन धन लगाना पड़ता है। उस तरह बच्चे को जो है, जो बच्चे आज एग्रेसिव है वो उस तरह से ध्यान दे, प्लस उनके ऊपर जो भी गार्जियनशिप है उसको वो रिस्पेक्ट करते हुए यदि काम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और अपने को टीवी में हम लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने हर एक जो भारतीय संस्कृति है उसको भी उन्होंने पूरा सत्कार देते हुए, और उनका भी यही कहना था कि भाई जो है मैं भारत का सबसे बड़ा मजदूर हूँ। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा आपको ईमानदारी और अनुशासित और मेहनत, ये तीनों चीज़ लगन से करनी पड़ेगी। और जो भी काम है उसको आपको दिल से करना पड़ेगा। आप यदि उसको दिल से करते हैं, आप उसको इंटरेस्ट से करते हैं, आपको जो काम अच्छा लगता है चाहे वो काम छोटा हो तो भी उस काम में आप आगे बढ़ेंगे। चाहे आप खेल के मैदान में देख लीजिए, चाहे आप राजनीतिक में देख लीजिए, मंच में देख लीजिए, जिनको भी खेल के मैदान में भी आज छोटे से छोटे कस्बे से जो खिलाड़ी आता है वो बहुत आगे बढ़ता है। उसको मानना ये होता है कि भाई वो पूरी निष्ठा के साथ खेलता है, और उसका काफ़ी उदाहरण है भारत में। सेम वही बात है बिजनेस में, वही बात आपके कॉरपोरेट जगत में। धीरूभाई अंबानी जो थे वो बहुत छोटे से गांव के थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ के लिए अपने विजन से और उसमें निरंतर लगे रहे, और उन्होंने जो भी चीज़, जो चीज़ नहीं है उसको लाया। आपका उससे विजन कितना है उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़ते हैं। मेरा सभी नई जनरेशन को ये सबसे पहली बात यह है कि उनको बहुत मेहनत करनी है और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तभी उससे आपको निर्भीकता आएगी, और निर्भीकता जब आएगी तो आप काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। जी हाँ, नई मेहनत आपको करनी पड़ेगी और निर्भीकता के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने वाकई संघर्ष किया है और वाकई कड़ी मेहनत की है, वो लोग आज अचीवमेंट के साथ अपने आप को यहाँ पे स्थापित करते हैं, तो हमें ज़रूरत है उनसे कुछ सीखने की, हमें ज़रूरत है उनसे कुछ प्राप्त करने की। क्योंकि वो लोगों के साथ हम अगर कदम से कदम नहीं मिला के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब एजुकेशन का इतना प्रभाव नहीं था, और जब आज एजुकेशन का इतना प्रभाव है, एजुकेशन के दम पर हम लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारे युवाओं को जरूरत है कि उसी टेक्नोलॉजी के सहारे पर वो उनसे दो कदम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना मुकाम हासिल करे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।